हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, हमेशा। एक जिंदगी साथ में गुजार पाती तो पता चलता कि इस प्यार को क्या कहते हैं। बहुत प्यार करती हूँ कहना बहुत छोटा लगता है, अगर हम साथ में साथ में जिंदगी। अब ये सब क्यों कह रही हैं? अब लेट से। नहीं नहीं, what are you saying? आप past tense में क्यों बात कर रही हैं? अब हाँ, एक बार एक question, sir please listen to me. जो हुआ है वो बीत गया है, okay? अब जो होना है वो हमारे हाथों में, okay? हमारे साथ में है, है ना? कथा, कथा है, कथा, हम साथ में रह सकते हैं। No, you don't mean this. आप जानते हैं ना कि युवराज भाई को पता है उस काली रात के बारे में, सब कुछ पता है उन्हें। जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए थी और पास के किसी कोने में जाके खो जानी चाहिए थी, वो बात बाहर आ गई और उसे दबाया नहीं जा सकता। हमारे बीच की बात है वो, युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ता। कथा, listen to me, please, just, okay, मैं उनसे जाके बात करूंगा ना, listen to me. कथा, I will beg you. नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं व्यान, ये जो बात है ना, ये युवराज भाई के बारे में नहीं है, ये उस रात के बारे में, जो हुआ ना वो होना ही नहीं चाहिए था। वो काली रात बहुत बुरी थी, बहुत बहुत घिनौनी थी, गंदी थी, वो होनी नहीं चाहिए थी हमारे बीच में। कथा, वो अब हमारे बीच प्यार है, वो हर काली रात में उजाला भर देगा। आपको उस रात की यादें ट्रबल करी है, आई प्रॉमिस यू, सुनो, आई एम प्रॉमिसिंग यू कि इतनी खूबसूरत यादें मैं बनाऊंगा ना कि आपको वो रात की यादें कभी ट्रबल नहीं करेंगी। बट लिसन टू मी प्लीज। अलग तो होना पड़ेगा हमारे बेटे के लिए, चाहे फिर जिंदगी भर आपसे दूर रहकर मैं आपसे प्यार करती रहूं। कदा, हम अलग नहीं हो सकते। अवियान, जो हुआ वो काली रात, उसे भी तो नहीं भुलाया जा सकता ना। जो हो गया है वो हो गया है, वो और हम दोनों की शादी हो रही थी। हाँ। और शादी दो परिवारों के बीच में होती है, अगर हमारे परिवारों को ये बात पता चलेगी ना, वो सब टूट जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा ना कि हम अपना रिश्ता तोड़ दें, ओके? करना पड़ेगा। तुम खुद टूट जाओगी, ओके? नहीं, हम टूट के बिखर जाने वालों में से नहीं है ना, हम बहुत स्ट्रांग है। हम मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ जानवर, आई नो बहुत तकलीफ होगी, पर हमें करना पड़ेगा। कदा, स्टॉप, करना पड़ेगा। कदा, स्टॉप, कदा, स्टॉप, कदा, प्लीज स्टॉप। क्या वो कुछ बोलोगे? व्यान तो ठीक है। एजेंसी, आपको व्यान का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके बिना उन्हें कोई और नहीं संभाल पा। कदा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम हो ना, हम सब साथ में ख्याल रखेंगे ना उसका। नहीं नहीं, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप व्यान के साथ रहेंगे, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जाते ही वो टूट जाएंगे। वो एक मिनट कथा, मेरे जाते ही मतलब? ये सब जो हुआ है ना, उसके बाद मैं और व्यान अब साथ में नहीं हो सकते। कथा, मुझे पता है ये सब क्या है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे। नहीं okay? नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे जाना ही होगा। कथा, मेरी बात सुनो। कथा, मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम क्यों जा रही हो, और मुझे पता है कि आरफ के इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए किसने दिए थे और क्यों दिए थे, मुझे सब पता है। कथा, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं किया था। कथा, मैं ना तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगा, ये जो तुम दोनों के बीच में है ना यार, तब बहुत किस्मत से मिलता है यार। तुम दोनों जले हो अपने अपने दर्द में, एक दूसरे से नफरत करते थे, और अब देखो
नफरत के बांध को तोड़ के प्यार करते हो, एक दूसरे को हमेशा साथ दिए, एक दूसरे का हमेशा सपोर्ट किया और पूरी तरह से एक्सेप्ट करके प्यार में पड़े, तब प्लीज इसको मत जाने दो यार, बहुत किस्मत वालों से मिलता है, तब प्लीज मत जाओ। तब मैं कह रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये मुझे पता है, ये सब माया मासी का किया धरा है, मैं कुछ कुछ गलत नहीं 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 प्रॉमिस यू कथा, ऐसा सर प्लीज, आप कुछ नहीं करेंगे, ओके, आप कुछ नहीं करेंगे, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, एक शब्द भी नहीं। एक सेकंड कथा, पर क्यों? आप बस वियान का ख्याल रखेंगे, उसके साथ रहेंगे, वो अकेला नहीं होना चाहिए, प्लीज एंड प्रॉमिस मी, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं बोलेंगे, प्लीज। एसएन सर, कथा भाभी कहाँ गई? वो यहाँ क्यों नहीं है व्यान भाई के साथ? कथा भाभी ने व्यान भाई के साथ ब्रेकअप कर लिया ना? बोलिए ना एसएन सर। मुझे लगा ही था, मतलब कथा भाभी विहान भाई को कभी ऐसा खेला नहीं छोड़ के जाते, पर ऐसा क्यों? माने चीजें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई एकदम से, मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि अब विहान कथा को खुद लेके आएगा। मुझे पता था, मुझे शुरू से पता था, आई न्यू इट कि आप उन दोनों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किससे यार, ऑनेस्टली वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि उन दोनों के बीच में ये जो है ना, ये बहुत स्पेशल है, उन दोनों को ये बचा कर रखना चाहिए। वाले, वाले, वाले। It's okay. मैं दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, उन्हें कभी भी ऐसे सर। शादी वाली रात में हम बाहर गए थे, उससे पहले ये सब झगड़ा शुरू हुआ था, उसके पहले आपने मुझसे कुछ कहा था। बचपन से ना मेरा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम्हारा भाई है, और मैं तुम दोनों में से किसी को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। वो क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि उस दिन मैं बहुत खुश था, मैं बहुत पी ली थी, बहुत नशे में था, लेकिन शायद नहीं होना चाहिए था, शायद अपने दोस्त को बचा पाता, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई। It's okay सर, I don't think कोई भी कुछ भी कर सकता था, इतना suddenly सब कुछ हो गया, it all happened so quickly, it's okay। ये वाले आप उस रात इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड बातें हुई जो मैं कभी नहीं बोलूंगी। वहां से इतनी बड़ी बात छुपा दी तूने? वियान से रिश्ता तोड़ दिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। तू आरव से बात कर रही थी ना, तो मैंने सब सुन लिया था, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आपको तो बताना ही था, आई एम सॉरी कि आपको ऐसे पता चला। तो बेटा बता ना, हुआ क्या है? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उसका रीजन नहीं बता सकती हूँ, वो बात बाहर निकलेगी ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक के बाद एक सब लोग इफेक्ट होंगे, हमारा परिवार टूट जाएगा। प्लीज आप इस वक्त ना मुझसे जवाब मत मांगिए, बस इस बात पे विश्वास रखिए कि मैं जो कर रही हूँ ना,
वो सही है बेटा, मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूँ। विहान ने क्या किया क्या हुआ नहीं पता, लेकिन बेटा अगर जरा सी भी गुंजाइश होना तो कोई भी फैसला लेने से पहले बस एक बार सोच लेना। कुछ लोगों ने ना वहां गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। कौन लोग बेटा? तू मुझे पता ना, मैं लड़ूंगी सबके साथ। माँ मुझे पता है आप मेरे लिए सबसे लड़ जाएंगे। आप अपनी बेटी को कमजोर समझती हैं। आप चिंता मत करिए, इस सिचुएशन में ना ये बेस्ट है, जो ये सबके लिए अच्छा है जो मैं कर रही हूँ। प्लीज समझिए आप। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी कैलाश को इस बारे में कुछ मत बताना। पहले से वो बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत सपने देखे थे उन्होंने तेरी शादी के, सब टूट गए। युवराज जेल में है, वियान हॉस्पिटल में है, उन्हें तो ऐसा लगता है कि जब आदि के पास जाएंगे तो उसे क्या जवाब देंगे। अगर उन्हें तेरे और वियान के बारे में पता चलेगा ना, तो वो हर तरह से कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए और तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। प्लीज, कुछ ठीक नहीं हो सकता। प्लीज, हम साथ में नहीं हो सकते। अब आप विश्वास कीजिए, मैं जो कर रही हूँ ना वो सही है। वो मेरे लिए भी मुश्किल है, पर वो सही है। प्लीज माँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.